बिहार में एयर एम्बुलेंस की सेवा के बाद अब पटना से ट्रेन एम्बुलेंस चलाने की सुविधा भी शुरू हो गई है। जाहिर सी बात है कि ये बिहार वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब पटना से दिल्ली के लिए ट्रेन एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है। पटना से एयर एम्बुलेंस सेवा देने वाली लाइफलाइन एयर एंड ट्रेन एम्बुलेंस एजेंसी ने ये सुविधा शुरू की है। सीट और सपोर्ट सिस्टम लगाने के लिए रेलवे की मदद ली गई है। बिहार के मरीजों के लिए एयर एम्बुलेंस की तरह ही अब ट्रेन एम्बुलेंस भी चलाई जाएगी। अभी यह सुविधा सिर्फ पटना से दिल्ली के लिए है। ट्रेन एम्बुलेंस लाइफ सपोर्ट सिस्टम से लैस होती है। ट्रेन एम्बुलेंस से दिल्ली जंक्शन पर उतरते ही मरीजों को सारी सुविधाएं दी जाती है। साथ ही जंक्शन से मरीज को अस्पताल पहुंचाने के लिए वाहन की सुविधा भी मुहैया कराई जाती है। जंक्शन से अस्पताल तक की ट्रांसपोर्टिंग सुविधा एक एजेंसी मुहैया कराती है। तो अब कुल मिलाकर के जहां तक बिहार से दिल्ली एयर एम्बुलेंस के जरिए पहुंचा जाता था, तो वहीं अब ट्रेन एम्बुलेंस की सेवा शुरू होने के बाद से मरीजों को इलाज के लिए बेहतर सुविधा मिल सकेगी। पटना से एयर एम्बुलेंस सेवा देने वाली लाइफलाइन एंड ट्रेन एम्बुलेंस एजेंसी ने यह सुविधा शुरू की है। सीट और सपोर्ट सिस्टम लगाने के लिए रेलवे की मदद ली गई है। एजेंसी के निदेशक ने बताया कि राजधानी एक्सप्रेस के AC 2 कोच की 4 सीटों का इस्तेमाल ट्रेन एम्बुलेंस के रूप में किया जाता है। इसमें एक डॉक्टर, एक नर्सिंग स्टाफ, मरीज और उसके परिजन रहते हैं। राजधानी एक्सप्रेस में बर्थ नहीं मिल पाने की स्थिति में संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस में यह सुविधा दी जाती है। बिहार के मरीजों को दिल्ली इलाज के लिए जाने में अब बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। एयर एम्बुलेंस का खर्च बहुत ज्यादा आता था, लेकिन अब ट्रेन एम्बुलेंस में उससे कम खर्च पर पटना से दिल्ली पहुंचा जा सकता है। बता दें कि पटना से ट्रेन एम्बुलेंस की शुरुआत हाल ही में हुई है। अभी तक 100 से अधिक मरीजों को नई दिल्ली के अस्पतालों में पहुंचाया जा चुका है। इस ट्रेन से पटना से दिल्ली पहुंचने में औसतन 15 से 16 घंटे लगते हैं। ट्रेन एम्बुलेंस से मरीज को पटना से दिल्ली ले जाने का किराया 50 से 70 हजार रुपए के बीच रखा गया है। जाहिर सी बात है, इससे मरीजों को काफी फायदा मिल रहा है। द गरम पोस्ट की रिपोर्ट।